Hello guys and welcome to Aficionado's Den where we stay in class. And guys, गर्मियाँ आ चुकी हैं तो मैंने सोचा बियर का रिव्यू करना शुरू कर देना चाहिए अब. तो सबसे पहली बियर इस सीज़न की जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वो है कटी पतंग बरेली बोल्ड. तो ये एक बहुत ही रीसेंट लॉन्च है एंड कटी पतंग सैफ्रन लागर जो है मैं उसका रिव्यू ऑलरेडी कर चुका हूँ लास्ट ईयर. द लिंक इज़ इन द आई बटन, गो हैड वॉच दैट रिव्यू. Of course, that is a very good beer. So, my hopes are high with this beer as well. चलिए, ज़्यादा कुछ है नहीं इस beer के बारे में बात करने को. The company claims that it is a refreshing beer and it is bold, though light-bodied, but yes, it is bold beer. तो चलिए खोलते हैं इसको और review करते हैं इसका और देखते हैं कि is it worth what I have paid for? Because I have got it for 200 rupees in Gurgaon, which is a 650 bottle. अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, मैंने अभी तक ऐसा नहीं देखा है कि इस बियर बरेली बोल्ड का कोई पाइंट या फिर कैन अवेलेबल हो. इट माइट बी जस्ट मी, मेरे को सिर्फ बॉटल्स ही मिली हैं 650 ml की, बट दैट इज़ हाउ इट इज़, दैट इज़ वॉट आई हैव सीन. तो 200 rupees इन गुड़गांव फॉर 650 ml बॉटल, इट माइट बी अ गुड डील अगर टेस्ट अच्छा है तो. तो चलिए विदाउट फर्दर अडू लेट्स गो हेड एंड ओपन इट एंड लेट्स पोर इट एंड लेट्स सी व्हाट दिस बियर हैज़ टू ऑफर. चलिए, सो दिस इज बरेली बोल्ड फॉर यू फ्रॉम द हाउस ऑफ कटी पतंग. बहुत ही प्रोमिनेंट सा लेबल है, डार्क पिंक कलर का विथ अ लेडी ऑन बुलेट सिग्निफाइंग that it is as strong as the bullet and as light or elegant as the lady riding it. So chaliye, let's go ahead and open it and let's see what this beer has to offer. Chaliye. Chaliye, let's pour it. बियर हमारी पोर हो चुकी है तो चलिए करते हैं इसका रिव्यू. इफ आई टॉक अबाउट द कलर, इट्स लाइट गोल्डन, ऑलमोस्ट हे टाइप कलर है इसका विथ अ बिट ऑफ ब्लरीनेस इन इट. आई डोंट नो वेदर इट इज जस्ट द बियर बिकॉज इट इज चिल्ड और वेदर इट इज एक्चुअली अ बिट ब्लरी, बट यस, लेट्स गो अहेड एंड नोज इट. अगर मैं बियर की बात करूं, इसमें हल्के से फ्लोरल नोट्स आ रहे हैं मुझे विद अ बिट ऑफ अर्दिनेस इन इट. ऑफ कोर्स माल्ट्स के तो नोट्स हैं ही इसमें. दैट्स प्रीटी मच इट अबाउट द नोज. अ वेरी गुड, अ वेरी एलिगेंट नोज इंडीड आई वुड से. चलिए लेट्स गेट ऑन टू द टेस्ट. मैं बोलूँगा वो हल्का सा फ्लोरल टेस्ट जो है वो बियर में भी है, बिट ऑफ मॉल्टीनेस ऑफ कोर्स, दैट इज समथिंग दैट आई कैन गेट आउट ऑफ इट. क्वाइट एन इंटरेस्टिंग टेस्ट आई वुड से. आई थिंक आई हैव टू गो इन फॉर द सेकेंड टेस्ट बिकॉज आई कुडंट गेट मच ऑफ द फ्लेवर्स इन द फर्स्ट टेस्ट. अच्छा, एक चीज़ है बियर में, इसकी फिनिश बहुत ज़्यादा नहीं है. बियर भी लाइट बॉडीड है, इतनी कोई ज़्यादा हैवी बॉडीड बियर नहीं है, बट व्हेन इट इज़ इन योर माउथ इट गिव्स गुड फ्लोरल अरोमास टू यू, अ बिट ऑफ सिट्रस इन इट. चलिए लेट्स गेट ऑन टू वन मोर टेस्ट बिकॉज आई हैव टू होल्ड इट इन माई माउथ फॉर क्वाइट सम टाइम टू गेट द फ्लेवर ऑफ इट. तो चलिए लेट्स गो अहेड एंड टेस्ट इट. Thank you.
मैं बोलूँगा येस, फ्लोरल नोट्स इज वॉट वी आर लुकिंग फॉर हेयर, एंड येस वी हैव गॉट दैट फ्लोरल नोट्स, अ बिट ऑफ अर्थीनेस इन इट, येस, मॉल्टीनेस, येस. ओवरऑल मेरे हिसाब से इट इज़ अ गुड बियर, गुड रिफ्रेशिंग बियर आई वुड से. नॉट एट ऑल टू मच टू लुक इन टू इट, बट येस, नॉट अ बैड बियर इन डीड, इट इज़ वर्थ द प्राइस. सो अगर मैं इस बियर के एफिशिएंटाडोज रिपोर्ट कार्ड की बात करूँ, तो ऑन द प्राइस पॉइंट आई वुड गिव इट अ 8, एंड ऑन द टेस्ट आई वुड गिव इट अ 8.5. तो इस बियर का एफिशिएंटाडोज नंबर होता है 8.25. In the segment that it is in, with the beers that it is competing, it is a craft beer and it has to offer a lot. So, मेरे हिसाब से it is a good beer. Go for it. I'm sure जैसी गर्मी दिल्ली में और NCR और North India में पड़ती है, it is quite a refreshing beer indeed for this weather. So, go ahead, try it, enjoy it, and do drink responsibly and do not drink and drive. एंड अगर आपने ये पी रखी है तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में बताओ कि आपको कैसी लगी, और अगर नहीं पी रखी है तो जाओ टेस्ट करो और मुझे बताओ कि कैसी लगी आपको. टिल दैट टाइम, एज यू से इन एफिशिएंटाडोज़ डिन, स्टे क्लासी एंड चीयर्स.